वेलकम टू मैथ्स विथ रविलोजी। दोस्तों क्लास 6 की 2.3 एक्सरसाइज है आपकी, चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। अब उसका पहला क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी से शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी कि जो आपको आपको ये चार ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी, इसमें से किसको सोल्व करने पर शून्य नहीं आएगा। तो अपन एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसमें 1 + 0 इसको आप जोड़ोगे, एक में अगर 0 जोड़ते हैं तो एक आता है, क्योंकि एक है उसके अंदर 0 जोड़ा जा रहा है, तो एक आएगा। बाकी इसको 0 से जुड़ा गुणा 0 को गुणा करने पर 0 आता है, 0 में 2 का भाग लगाने पर 0 आता है, फिर 10 - 10 में से 10 जाएगा 0, फिर 0 में 2 का, फिर ये बन जाएगा, फिर 0। यानी कि किसमें निरूपित नहीं होता 0, तो केवल एक ही है ए वाला, इसमें 0 नहीं आता है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको दो पूर्ण संख्या को गुणा करना है, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। अब आपके सामने ये पूर्ण संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, आपको पता ही है। 0 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 0 आता है यहाँ पे, क्योंकि अपने को 0 ही चाहिए। 0 को 2 से गुणा करने पर भी 0 आता है, 2 को 0 से गुणा करने पर भी 0 आता है। तो यानी कि इसको यूँ कह सकते हैं कि कोई एक संख्या 0 होनी चाहिए इसमें, ये एक निश्चित बात है। क्योंकि अगर एक संख्या कोई सी भी 0 होगी, यानी कि एक तो 0 होगा, तभी जाके जो आंसर है उसमें 0 आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख दो, तो इसको 0 से गुणा करने पर वो संख्या 0 ही देगी आपको। अब इसमें अगर 2 0 होगा तो भी 0 आएगा आंसर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या 1 0 होगा तब 0 आंसर आता है, या 2 0, तो 1 होगा तो भी आंसर 0 आएगा, और 2 होने पर भी आपका 0 आंसर आता है इसमें। तो ये इसका फाइनली आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि यह कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी संख्या को गुणा करने पर अगर 1 आता है तो इनमें से क्या दोनों संख्याओं में से एक संख्या 1 होनी चाहिए। बिल्कुल, एक नहीं, दोनों ही संख्याएं 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 1 को गुणा करने पर ही 1 आता है। अगर यहाँ पे मैं 1 और 2 कर दूँ तो इसको गुणा करने पर 2 आता है, या मैं 5 × 1 कर दूँ तो इसको गुणा करने पर 5 आता है। यानी कि इसमें यह कंडीशन है कि दोनों ही 1 होने चाहिए, तब आपका जो गुणा करने पर 1 ही आएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, यानी कि 1 और 1 को गुणा करने पर 1 आता है। और उसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये होती है कि इसमें दोनों 1 के बराबर होने चाहिए, यानी कि ये इसका फाइनली आंसर है। आप इसमें 14 सवाल देखिए कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको संख्या दे रही है जिनको गुणा करना है, लेकिन वितरण विधि से, यानी कि बांट बांट के आपको गुणा करना है। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। 7वें का पहला है, ए जिसमें 728 गुणा 101 कर रहा है, तो इसको वितरण यानी कि इसको बांट बांट के करना है। देखो, अगर 728 को मैं 2 टुकड़े करूंगा तो क्या मेरे लिए एक लेंथी काम हो जाएगा और गुणा करना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि बड़े ही चालाकी से 101 की गुणा करता हूँ, 101 के 2 टुकड़े करता हूँ। कैसे करता हूँ देखना, इसका मैं हल कर रहा हूँ आपके सामने। 728 को मैं एज इट इज लिखूंगा ऐसे, कैसे गुणा, मैं इसको 100 को क्या करूंगा, 100 + a एक लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 100 + 1 यानी कि 100 में 1 जोड़ने पर 101 आता है, यही चीज यहीं पर लिखी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और इसको तो इसको ऐसे लिखेंगे, 728 × 100 एक बार तो ये गुणा होगा, प्लस 728 वापस 1 से भी गुणा होगा। तो इस प्रकार से लिखना है। देखो, मैंने बताया आपको कि किसी भी संख्या को 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याओं से गुणा करना हो, तो आपको गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि सीधे से इसके शून्य गिन लेने हैं पीछे के। तो इसके पीछे है 2 शून्य, और संख्या को एज इट इज लिख देना है। कैसे, तो ये संख्या ऐसी किसी लिख देंगे यहाँ पे 728, इसके यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, और 0 जोड़ देंगे पीछे, ये 2 0 प्लस ये इसका गुणा हो गया। आप गुणा करके भी देखोगे तो यही आंसर आएगा, और 728 को 1 से गुणा करने पर आता है वापस 728। अब देखिए, 728 के अंदर ये जोड़ना है, तो देखो पीछे 2 0 है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 0 की जगह तो ऐसे आएगा 280 आएगा, फिर 7 और यहाँ पे 8, तो 7 × 14 और 1 × 15 का 5 हासिल का 1 हो जाता है, और 2 × 1 = 3 और ये 7, ये इसका आंसर जाता है कि 73528। इस प्रकार से आपको तोड़ के करना है, ये वितरण गुणा, यानी वितरण मतलब बांट के करना, ताकि अपने लिए ये सवाल ईजी हो जाए। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा भी सवाल करना है। दूसरा ये दे रखा है कि 5437 × 1000, इसको भी इसी प्रकार से करना है। देखो, मैं आपके सामने करता हूँ, 5437 को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, गुणा, इसको मैं करता हूँ 1000 के अंदर मैं 1 जोड़ता हूँ इस प्रकार से, तो 1001 बनता है। अब इसको इसको इससे भी गुणा करेंगे, मैं तीर लगा देता हूँ, और इसको इससे भी गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, 5437 × 1000 प्लस वापिस 5437 × 1, इस प्रकार से करना है। तो आपको पता है, मैंने बताया अभी कि 10, 100, 1000 इन प्रकार की संख्याओं से गुणा करना है, तो आपको गुणा नहीं करना है, आपको सबसे इजी तरीका लगाना है कि ये संख्या एज इट इज रहेगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा तो पीछे वाली संख्याओं पर। देखो, ये 3 शून्य है, इसके पीछे गए, तो 3 शून्य डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लगा दो, 1 2 3, यही आपका फाइनली आंसर आएगा। अब 5437 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, वापस 5437 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसके क्या अंदर, इसके अंदर इसको जोड़ कर लेना है, तो 3 संख्याएं 0 होने के कारण ऐसी कैसी लिखी जाएगी, कैसे, 5437, अब ये 5 है, ये 7 है, तो 7 × 5 = 12 का 2 हासिल का 1 यहाँ लगेगा, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5442437, ये आपका फाइनली आंसर आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सी वाला करते हैं। तीसरे सवाल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं 824 को एज इट इज लिखूंगा, 25 को कैसे लिखूं मैं कि ताकि मेरा काम सही हो जाए। देखो, 25 को मैं 20 + 5 लिखूंगा तो भी मेरे को गुणा करना पड़ेगा, और मैं 30 - 5 लिखूंगा तो भी मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं 100 के अंदर 4 का भाग लगाता हूँ तो 25 ही आता है, मुझे पता है,
क्योंकि होता है 25 चौक 100 होता है, तो 4 का भाग अगर आप 100 का 100 के अंदर 4 का भाग लगाओगे तो 25 आंसर आएगा आपका। तो मैं क्यों ना इसको इस प्रकार से लिख दूँ, तो इसके मान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करना है मेरे को, इसको इससे गुणा कर देना और इसका भाग लगा देना है, तो मैं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ आपको, 824 तो इस प्रकार से लिखेंगे और 00 इसकी लगा देंगे इसके कारण, और बटे में 4 कर देंगे। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, तो 4 के ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर भाग नहीं जाएगा, भाग की सुपर लगा देंगे, फिर हो जाएगा 24 4 छंग 24 6 बार में जाता है, फिर 00 पीछे, यानी कि 20,600 इसका आंसर आ जाता है। कितना ईजी अगर इस तरीके से किया जाए, यानी कि मैंने क्या करा कि 25 को मैंने 100/4 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे जो गुणा है वो ईजी तरीके से हो जाए। देखो मैंने कहीं कुछ नहीं किया, एक बार केवल भाग लगाया जिसमें मेरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब ये सवाल 4275 इसको 125 से गुणा करना है, इसको भी उसी तरीके से करें लेकिन थोड़ा अंदाज चेंज होगा। अब 125 लाना मेरे को पता है कि जब मेरे को 25 लाना था तो मैंने 100 को 4 से गुणा किया। अब मेरे को 125 लाना है तो मैं क्या करूँगा, 1000 को 8 से गुणा कर लूँगा। देखो 8 एकम 8, फिर 2 ये 2 बचेगा, और 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, और 8×5=40, ये आ गया 125। यानी 125 को 8 से गुणा करोगे तो आपको 1000 प्राप्त होगा। तो मेरे को इसी तरीके से यहाँ पे लिखना है। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 4275, ठीक है, गुणा 125 को लिखता हूँ मैं 1000/8। किसी भी संख्या को 1000, 100, 10 इस प्रकार की संख्याओं से गुणा करने के लिए अपने को उसकी पीछे की शून्य को काउंट कर लेना है। कितनी शून्य, 3 शून्य। क्या करेंगे, 4275 को इसी तरीके से लिखेंगे और 3 शून्य पीछे लगा देंगे, और अब 8 का भाग लगाना है, अपने 8 का भाग लगा देंगे, ये 534375, ये आपका फाइनल आंसर प्राप्त होता है इसको गुणा करने के बाद। अब करते हैं आगे वाला नेक्स्ट सवाल। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपको 504 को 35 से गुणा करना है, फिर वही दिक्कत, 35 से गुणा करने के लिए फिर क्या करेंगे। अब देखो मैं इसको चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा, तो 504 को मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, और अब मैं चेंज करता हूँ इसको, और इसको चेंज कैसे करेंगे अपन, इसको चेंज करने का नया तरीका है 70/2 कर देंगे, यानी कि 35×70 आता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है, और भले इसको आप गुणा नहीं करके आप डायरेक्ट इसको गुणा करके फिर इसका 2 का भाग लगा देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ भाग लगा देता हूँ मैं पहले से ही, यहाँ क्या करूँगा मैं 2×2=4, ठीक है, और फिर यहाँ 1 बचता है, 2×5=10, 2×2=4, ये 252 हो गया। 252 को 7 से गुणा करना मेरे को, और 0 तो पीछे लगाना ही, तो 252 को आप 7 से गुणा कर लो, 7×2=14 का 4 हासिल का 1, 7×5=35, 1, 36 का 6 हासिल का 3, 4, 7×2=14, 15×16=17, ये आ गया, और अब आपको 0 लगा देना पीछे, तो आपका आंसर आ गया 17×64=0, ये 0 ही है लास्ट वाला। इस प्रकार से आपका ये सवाल होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट सवाल पांचवा, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। आपको अध्ययन करना है, जैसे मैं लिखता हूँ पहला सवाल देता हूँ आपके सामने, 1×8+1=9, इसको देखना है कि असल में होता है कि नहीं होता है, और इस प्रकार से आपको संकेत दिया गया है उसको करना है। तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, पहले सवाल जो लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अब आएगा 1, 2, 8 से तो गुणा करना ही, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर लिखना है 1, 2, 3, इसको 8 से तो गुणा करना ही, फिर इसमें 3 जोड़ देना है, 1, 2, 3, 4, इसको 8 से तो गुणा करना ही और इसमें 4 जोड़ देना है, 4 और 5 और गुणा 8 से करना है, फिर 5 जोड़ देना है, फिर लिखते 1, 2, 3, 4, 5, 6×8+6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7×8+7, 2 चरण तक लिखना है, ये 2 नए चरण लिखे मैंने, बाकी सवाल में यहाँ तक सवाल में दे रखा है आपको। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान से नोटिस करनी है कि इसमें असल में कर क्या रखा है, देखना आंसर कैसे कर रखा है मैं बताता हूँ आपको, आप खुद कहोगे कि हाँ यार बहुत सरल है सवाल, इसमें आपको बस दिमाग लगाना है कि असल में हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर 8 को 1 से गुणा करें, 8 आता है, फिर प्लस 1 करना है, 9 आता है, ठीक है, लास्ट का संख्या 1 से 9 तक की संख्याओं में लास्ट की संख्या आ रही है। फिर करते देखो 12 को 8 से गुणा करना है, और फिर 2 जोड़ देना है, कि 12 को 8 से गुणा करोगे तो 96 आता है, और फिर 2 जोड़ने के बाद आता है 98, तो क्या हुआ 98 लिखा। तो यार देखो 9 तो है ऊपर से, लेकिन आगे वाली संख्या आ गई। तो इसी प्रकार से इसमें भी करना है कि आपको 123 को 8 से गुणा करना है और 3 जोड़ देना है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपको गुणा नहीं करना है, इसमें सिस्टम दे रखा है उससे फॉलो करना है। जैसे 98 आया ना, तो अब आएगा 987 आएगा इसमें, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा 9876 आएगा, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा 98765 आएगा, इसको फिर गुणा करोगे तो यानी ये आगे वाली आंसर 9876544 आएगा, फिर आएगा 9876543, ये यानी कि क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सीरीज चलती है। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से एक सीरीज चल रही है इधर से इधर, यहाँ से इधर भी एक सीरीज चल रही है। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और सेम संख्या 8 से गुणा करना ही है, और यहाँ भी एक एक संख्या बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आगे वाला करेंगे तो 8 आगे वाला भी मैं आपको करके बता देता हूँ, बोले आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं और बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक 8 तो लिखना है, 8 तो लिख के फिर 8 से तो गुणा करना ही है, फिर यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा मैं बिना देखे आंसर बताता हूँ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और अगला वाला पद करेंगे तो इसमें 1 लास्ट में लिख देंगे, और ये आपका फाइनली आंसर है। आपको 2 चरण तक लिखना है तो ये दोनों चरण लिख लेने आपको, ये आपकी प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। अब मिलते हैं अपन अगली नई वीडियो में और नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे, जय हिंद।